जब हमें सैलरी मिलती है हर महीने, सबसे गंदा पार्ट हमें क्या लगता है? जब सैलरी मिलने के बाद उसका हाफ पोर्शन हमें कभी भी ईएमआई में देना पड़ता है। जो हमारे डेब्ट्स होते हैं वो हमें हर महीने पूरे करने चाहिए और हम पूरे करते भी हैं। तो मैं इस पूरे वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि कौन कौन सी सिचुएशन ऐसी आती है लाइफ में जब आप एक डेट ट्रैप में गिर सकते हैं, आप ऐसे एक सिचुएशन में आ सकते हैं जहां आपको लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाए, और ऐसे भी सिचुएशन में बताऊंगी जहां अगर आप चाहें तो लोन बिना लिए उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। जनरली एक लोन लेने की सिचुएशन तब आती है जब आपको जॉब में कोई डिफ़िकल्टी है। मान लीजिए आपके हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है जिसकी वजह से आपकी जॉब छूट गई, या फिर आपने बहुत दिन की छुट्टी ले ली है और कोई अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ पड़ी है जिसके वजह से आपको सैलरी भी पूरी नहीं आई है और आपको वो मेडिकल इमरजेंसी भी केटर करना है। तो ये सारे ऐसे सिचुएशन हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रेशराइज्ड फील होता है। अगर मेरी सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती तो शायद मैं इस सिचुएशन से निकल पाता। तो आपके दिमाग में ये हमेशा रहता है कि अगर ये होता तो हम वैसे करके सेव कर पाते। तो मैं आपको पूरे वीडियो में ये समझाऊंगी कि ऐसे सिचुएशन को कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं, कैसे इन चंगुलों से बच सकते हैं और कैसे आप एक डेट फ्री ज़िंदगी जी सकते हैं, और अगर आप लोन ट्रैप में ऑलरेडी हैं उस चीज़ से कैसे अच्छी तरीके से निकल सकते हैं। पहला पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी वो ये है कि जनरली जो सैलरीड लोग होते हैं उनकी 50% जो इनकम होती है मंथली वो ईएमआई में जाती है। तो मैं पहला पॉइंट जो आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, आप ये ट्राई कीजिए जितना आप कमा रहे हैं अपने एक्सपेंडिचर को आप एक हिसाब से रखिए, सो दैट आपको मंथ एंड तक वो ब्रोक वाली फीलिंग ना आए, वो सिचुएशन ना आए जहाँ पे आपको एक शॉर्ट टर्म एक छोटा लोन लेना पड़े वो सिचुएशन को कैटर करने के लिए। सेकेंड पॉइंट मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, जो हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, मान लीजिए हाउस रेंट हमारा एक फिक्स एक्सपेंस हो गया, अगर आप अपने खुद के घर पे रह रहे हैं तो आपका जो ईएमआई जाता है वो फिक्स्ड एक्सपेंस हो गया, आपकी जो कार अगर आपके पास ड्राइवर है वो फिक्स्ड एक्सपेंस हो गया, अगर आपने लोन पे कार लिया हुआ है तो वो आपका फिक्स्ड एक्सपेंस हो गया। सो ये ऐसे बहुत सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं। मान लीजिए क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते तो वो भी आपका फिक्स्ड एक्सपेंस हो गया। अगर आप ये नहीं चाहते कि आपका क्रेडिट कार्ड या फिर आपका क्रेडिट कार्ड एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ब्लॉक हो जाए या फिर आपका सिबिल स्कोर इफेक्ट हो, सो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जो आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस है वो हमेशा आपके हाथ में रहते हैं। मान लीजिए आप 50,000 मंथली कमा रही हैं और आप 25,000 उस चीज़ का मंथली आप अपने ओनर को दे रही हैं, तो आपके पास जो पूरे मंथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी हर चीज़ दूसरे जो एक्सपेंसेस हैं उसको कैटर करने के लिए। तो आप जो भी कमाते हैं पर मंथ उस हिसाब से आप अपना बजट बनाइए। आप ये देखिए कि पूरे महीने अगर आप जनरली हर एक्सपेंस को कंसिडर करके चल रहे तो आपको कितना पड़ रहा है और आप कितना सेव कर पा रहे हैं। और अपने एक्सपेंसेस को, फिक्स्ड एक्सपेंसेस को मैं ये सजेस्ट करूँगी कि बहुत ज़्यादा हाई ना रखें। जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूँगी वो ये है कि अगर आप अपने रेगुलर हैबिट्स या फिर रेगुलर लग्जरी को पूरा करने के लिए लोन लेते हैं तो वो बहुत गलत बात है। हम सभी जानते हैं कि हम सबको लोन मिलना कितना ज़्यादा आसान हो गया है। अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद आ रही है जो आपके बजट के बाहर है, या फिर आप ये सोच सकते हैं कि आपके पास उतना लिक्विड कैश नहीं है, तो आप एनी टाइम क्रेडिट कार्ड यूज़ करके वो चीज़ हम लोग ले लेते हैं और इसके बाद हम ये सोचते हैं कि नेक्स्ट मंथ हम उसको पे कर देंगे या फिर मिनिमम ड्यू पे कर देंगे, नहीं तो हम कंप्लीट पेमेंट कर देंगे। लेकिन ये एक जो कंसेप्शन है ये एक गलत कंसेप्शन होता है। ये आप डेली हैबिट्स को या फिर डेली नीड को पूरा करने के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं तब वो चीज़ आपके लिए गलत होती है, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलता और आप ये हैबिट कंटिन्यू करते जाते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि डेली हैबिट्स को, डेली के अगर कोई चीज़ आपको पसंद आई है आप वेट करके सेव करके वो चीज़ को खरीदिए रादर देन क्रेडिट कार्ड पे डिपेंड होने के लिए। हम सबके लाइफ में एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आता है जब हम ब्रोक होते हैं। हर महीने मंथ एंड के दौरान हमको ये फीलिंग आती है कि मेरे पैसे ख़त्म होने ही वाले हैं, भगवान करे सैलरी जल्दी आ जाए। सो ये चीज़ से बचने के लिए बहुत बारी ये होता है जब हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। लेकिन जो सबको ये चीज़ नहीं पता होती है, क्रेडिट कार्ड में एक कैश विड्रॉल लिमिट भी होती है, और जो लोगों को नहीं पता होती है वो ये है कि क्रेडिट कार्ड से आप जब तक आप पे ऐसा कोई सिचुएशन ना आए कि आप उस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ऐसी कोई इमरजेंसी ना आए, आपको ये सजेशन है मेरी तरफ से कि कभी भी क्रेडिट कार्ड से कोई भी कैश विड्रॉ मत कीजिए। बिकॉज जब आपको वो चीज़ रिटर्न करना पड़ता है 2-3%
परसेंट ज़्यादा दे के, जितना मान लीजिए अगर आपने 1000 रुपये विड्रॉ किए तो उसके ऊपर आपको 2-3% दे के उस चीज़ को आपको वापस रिटर्न करना होता है। तो ये सजेशन रहेगा कि जब तक आपको ऐसे सिचुएशन की ज़रूरत ना लगे कि मुझे अगर मैंने अभी ये विड्रॉ नहीं किया तो मुझे ये सिचुएशन से कोई निकाल नहीं सकते, तब तक मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप विड्रॉल पर ना जाएँ, आप वेट करें, किसी और से कैश ले लीजिए, बट अवॉइड कीजिए क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल करना। नेक्स्ट चीज़ मैं जो आपको बताना चाहूँगी, हम सभी जानते हैं कि बैंक के कुछ नियम होते हैं, वो कुछ डॉक्यूमेंट का सेट आपको बोलेंगे जब भी आप कोई लोन के लिए जा रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जस्ट बिकॉज आपको लोन चाहिए होता है, अर्जेंसी में चाहिए होता है, तो मान लीजिए एक बैंक ने आपका लोन रिजेक्ट किया है और आप ये नहीं सोचते कि बैंक ने लोन रिजेक्ट क्यों किया है, आप रादर देन बैंक के साथ जाने के जगह आप कभी कभी NBFCs को भी सिलेक्ट करते हैं जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो आप अपने पैसे वहाँ भी बचा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है किसी वजह से, कोई डॉक्यूमेंट की वजह से, तो ट्राई कीजिए 2 दिन बाद लोन लेने का, लेकिन आप ये ट्राई कीजिए कि आप वो डॉक्यूमेंट सही सलामत आप लेके आए बैंक के पास, सो दैट आपको कुछ टाइम बाद वो लोन मिल जाए। बिकॉज आप अगर NBFCs के साथ जा रहे हैं तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है और आपको बहुत ज़्यादा EMI पे करना पड़ सकता है। जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, और मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में ये चीज़ रिपीट भी करती हूँ, प्लीज़ आपके जो भी EMIs है, जो भी ओब्लिगेशंस है, आप अपने जो EMI है सही टाइम पे कीजिएगा। बिकॉज सिबिल स्कोर एक फिनेंशियल एस्पेक्ट का बहुत बड़ा एक मेजर रीज़न है जब आपको कोई लोन मिल सकता है, आपको लोन नहीं मिल सकता है। लोग आपके सिबिल स्कोर को देख के वो चीज़ जज करते हैं, बैंक सिबिल स्कोर को कंसिडर करती है सिबिल स्कोर को। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरा जो जैकपॉट पॉइंट रहता है हर वीडियो में वो ये है कि अपने जो एक्सपेंसेस है वो उतने ही रखें जितना आप सोचते हैं कि आप पूरे मंथ में अगर किसी से उधार ना ले फिर भी वो चीज़ अगर एक्सपेंडिचर करने के बाद आपके पास उतने पैसे बच जाएंगे कि आप पूरा मंथ अच्छे से अपने पैसे से गुजार पाए। इसी के साथ मैं द्युति दत्ता अलविदा लेती हूँ आपसे, जल्द मिलूंगी आपसे कोई नए सजेशन और नए टॉपिक के साथ। तब तक मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर कोई भी फिनेंशियल क्वेरी है तो हमारे फिनेंशियल टोल फ्री नंबर पे एक मिस कॉल करें, बस 0226181611 हमारा फिनेंशियल टोल फ्री नंबर है, एक मिस कॉल की बात है, बस मिस कॉल देना बिल्कुल ना भूलें, हमारे मनी डॉक्टर्स आपके सारे क्वेरीज क्लियर करेंगे। धन्यवाद, जल्द मिलूंगी आपसे। We'll be right back.